हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी और मटर की सब्जी। और ये लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। लोहे की कढ़ाई बहुत जल्दी काली हो जाती है। लोहे और यहाँ पर मैंने सब कुछ मिक्स किया हुआ है, मटर भी, गोभी भी, आलू भी, टमाटर भी। तो इसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया था पहले ऑयल गर्म होते ही, और अब मैंने सब्जी एक साथ डाल दी है। जल्दी वाली सब्जी बनानी हो तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी भी बनती है। अलग से आपको टमाटर की ग्रेवी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी में ही टमाटर आपका पक जाता है। यहाँ पे मैंने डाला है लाल मिर्ची, नमक, धनिया, और डाले थोड़ी सी कसूरी मेथी। बस अब इन सबको मैं चला दूंगी। चलाने के बाद में इसको मैं ढक करके छोड़ दूंगी। और आप देख रहे हैं, मैंने इसमें जो एक गोभी के छोटे छोटे डंठल होते हैं वो भी काटे हुए हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाली है, और यहाँ पर बस ये बनने के लिए तैयार हो चुकी है। और अब ये देखिए, ये मैंने सब्जी के साथ में बनाए हैं पराठे। हरा धनिया नहीं डाला था इसमें। पराठा और सब्जी तैयार है, आप दही भी ले सकते हैं उसके साथ में। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग, बताइएगा जरूर। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू। और मैं आपको गौरी को भी दिखा देती हूँ। गौरी बेटू उल्टा उल्टा हाल है। हेलो हेलो बोल दिया गौरी ने। हेलो, आप लोगों ने गौरी को देख लिया? आप लोगों की डिमांड आती है गौरी को एक बार जरूर दिखाया करो, तो गौरी ने एक बार देख लिया है, बातें भी कर लिया आपसे। और चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बताइएगा जरूर कैसे हो। कमेंट में नहीं बताते हो आजकल आप लोग, मेरे बारे में पूछ लेते हो, मेरे बारे में जान लेते हो, अपने बारे में नहीं बताते हो। मैंने यहाँ पर लिया मूंगफली, मूंगफली या मूंगफली जो भी आप बोलते हैं। मूंगफली खाने का बहुत मन था तो आज मैंने ली ये। अब खाऊंगी मैं इसको थोड़ी देर पैट करके, थोड़ी सी खाऊंगी इसमें से। अभी इतना टेस्टी नहीं, टेस्ट नहीं आया है जितना आना चाहिए, तो आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। आज मैंने ये थोड़ी कड़क चाय बनाई थी, इसमें अदरक अच्छे से डाली है, इलायची, और इसमें डाली है मैंने काली मिर्ची। तो ये मैंने अपने लिए थोड़ी सी निकाली है, और इनके लिए मैं थर्मस में डाल रही हूँ। और ये इसलिए ऐसी बनाई है, इनके थोड़ा सर में दर्द था और ये मौसम ऐसा है। और अब तो अदरक अच्छे से टेस्ट भी आता है अदरक का, क्योंकि ठंडा मौसम हो चुका है तो अदरक वाली चाय अच्छी लगती लगती है। तो जब इनको सर में दर्द होता है तो वो यही वाली चाय पीते हैं। और बस मैंने ढक्कन बंद कर दिया है, अब इनको दुकान पर मैं दे करके आऊंगी। थर्मस में, और मैं इनके लिए लेके जाऊंगी यहाँ पर फैन। ये देखो, पैकेट रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना ले जाऊं, इनको पसंद है। और बस 2 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगी। यहाँ पर मैंने रखे हैं इनके लिए, ये फैन ना यार टूटते बहुत जल्दी हैं। ये देखो, बस ये मैं लेके जाऊंगी। आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं लग रहा है, मैंने पैक कर दिया है। चलो चलते हैं दुकान। हेलो, कैसे हो सब लोग? और दोबारा हेलो हो रही है मेरी। और करवा चौथ की शॉपिंग सबकी हो चुकी होगी, तो यार मैं करवा चौथ की शॉपिंग बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, हर बार ही नहीं करती हूँ। और मैंने कोई बैग्स वगैरह भी कुछ नहीं कराई है, एक तो टाइम नहीं है, गौरी को मैं इतनी देर छोड़ नहीं सकती हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि गौरी को मत छोड़ा करो घर पे अकेले, तो मैं दुकान जो भी जाती हूँ ना बस 5 से 10 मिनट के लिए जाती हूँ, ताकि इनको घर आना होता है या कुछ बहुत जरूरी काम होता है तो जाती हूँ, अदरवाइज सन्नू ही जाती है। और कल जो मैं लेट तक वहां पे थी, आधे घंटे में रुकी थी जिस टाइम मैं लाइव गई थी, वो भी किस वजह से गई थी, गौरी मुझे पता था कि 1 घंटे से पहले नहीं उठेगी, और तन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, क्योंकि दुकान का भी थोड़ा देखना होता है उनके साथ में, अकेले परेशान हो जाते हैं। और ये मैंने करवा चौथ के लिए ये खरीदे, मैंने भी बोला मैं शॉपिंग नहीं करती, ये मुझे अच्छे लगे थे, और ये मैंने मंडे मार्केट से ही लिए हैं। कहाँ से? मंडे मार्केट से ही लिए हैं मैंने ये। मैं सबको ये बोलना चाहूंगी यार, ऑनलाइन शॉपिंग ना सभी करते हैं, करो, मना नहीं कर रही हूँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि सब लोग करें, लेकिन कभी कभी ना पटड़ी बाजार से भी खरीदना चाहिए, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों को पता है कि किस तरीके से बाजार में जाते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं। उन लोगों को भी इच्छा होती है कि त्योहार चल रहा है, हम लोगों की बिक्री कोई कराए, गोरी बात कर रही है उधर से, हम लोगों को की बिक्री भी कोई कराए, तो मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोग सब
खरीदो, ऑनलाइन से खरीदो, दुकानों से खरीदो, लेकिन थोड़ा बहुत उन लोगों का अगर थोड़ा थोड़ा करके सब लोग खरीदेंगे तो उन लोगों की भी जो त्योहार है वो अच्छे से जाएंगे। तो इसी मैंने एक आंटी ने लगाए हुए थे, मैंने वहां से लिए थे, ये बहुत कई जगह बिक रहे थे, और ये मैं रेट बताऊं तो बहुत महंगे नहीं है, 100 के 8 है, ये 100 रुपीज के 8 कंगन है। और ऐसा नहीं है कि मुझे छुपाना था कि नहीं मैं रेट नहीं बताऊंगी, ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ बताना चाहती थी कि ये अच्छे हैं, पहनने लायक हैं, और 100 के 8 हैं, तो आप लोग पटड़ी से भी लेकर के पहन सकते हो, वो उन लोगों की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। वैसे भी खरीदने थोड़ी सी चीजें खरीदो। और मैंने 2 क्लेचर भी लिए थे, ये मैंने 2 क्लेचर लिए थे, एक ये और एक ये, 10 10 रुपीज के लिए थे, मेरे क्लेचर टूट चुके थे इसलिए। और यहाँ पर मैंने जो ब्लाउज था वो होली अष्टमी के लिए येलो वाली साड़ी तैयार की है ना, उसके लिए ब्लाउज जो सिलवाया था वो सिल करके आ चुका था, मैं बिल्कुल प्लेन पहनती हूँ, मुझे कोई डिजाइन वगैरह इतना पसंद नहीं है, राउंड नेक ही मैं हमेशा बनवाती हूँ, तो ये हल्का सा लूज कराना था तो ये मैंने ढीला कराया है। और इसके अलावा ये दीदी ने कुर्ते बनवा करके भेजे थे घर में पहनने के लिए कि मैं पहन लूँ, तो इसमें मुझे बटन लगवाना था, ये बटन लगवाया है, यहाँ से काज बटन कराए हैं, ये गरम कुर्ती है, दीदी के मतलब पास में, दीदी का भी कपड़े का काम है तो कोई स्टिच करती है घर में ही, उन्होंने स्टिच करके भेजा था, तो बटन लगवाने थे, ये मैंने बटन लगवा के मंगा लिया है, गौरी खुश हो रही है, बात कर रही है अच्छे से। तो ये था, ये सब मैंने खरीदा है। नहीं लगानी चाहिए, गिलोय की बेल लगाने से बीमारी आती है, घर में बीमार रहता है कोई ना कोई, ऐसा है तो वैसे तो उससे बहुत डर बैठ चुका है मेरे मन में, जो मेरे साथ हुआ था उस दिन, उसके बाद में इस बहाने मेरी गिलोय की बेल भी कट गई है, अच्छा है। और अब हम लोगों ने वो थोड़ी सी लगा भी रखी थी कि अभी पनप जाएगी, लेकिन अब उसको हम जड़ से निकाल देंगे। तो मुझे एक ने नहीं, अब ये 2 3 कमेंट मेरे पास में आ चुके थे और उन पे रिप्लाई भी किया गया था दूसरे सब्सक्राइबर का, तो अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने बताया कि बेल नहीं होनी चाहिए, इस बार ने बेल कट चुकी है। और मैं दोबारा बोलूंगी, आप पटरी बाजार से भी थोड़ा थोड़ा सामान खरीदो, आपकी मर्जी है, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरे 10 10 लोगों ने भी अगर थोड़ा थोड़ा भी खरीदा तो बहुत अच्छा होगा। और बस यही, और थोड़ी सी आप बातें सुन रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा खेल रही है वो अभी। और मैं दुकान इतना नहीं जाती हूँ, मुझे ये भी बोला था कि दुकान पे मत जाया करो गौरी छोड़ के, तो यार मैं जब जाती हूँ तो सिर्फ 5 से 10 मिनट की जितनी भी मेरी वीडियो क्लिप होती है उतनी देर ही मैं जाती हूँ, या जैसे आज मैं चाय देने के लिए गई थी तो सिर्फ 2 मिनट रुकी थी तो वीडियो नहीं बनाई थी। और कल हाँ मंडे को मैं जरूर रुकी थी आधे घंटे, क्योंकि तन्नू की तबीयत ठीक नहीं थी, अदरवाइज तन्नू ही जाती है, वो अकेले परेशान हो जाते हैं वहां पर, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा था। और गौरी सो रखी थी, मैं तभी जाती हूँ जब गौरी सोई हुई होती है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये आधा घंटा 1 घंटा सोएगी तभी मैं जाती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं जाती हूँ। तो ये था, चलिए। हेलो, आप कौन हो? मैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष नहीं हो, आरुष हो, आरुष कुंडीर। कुंडी। हाँ, कौन हो? ये गौरी का भुल्ला है ना? और गौरी कौन है तुम्हारी? गौरी कौन है? गुन्नू। फोन 1 मिनट रुक जाओ, गुन्नू बाबू बताओ ना गौरी कौन है? गौरी मेरी बच्ची है। गौरी मेरी बच्ची है। ठीक है, चलो हेलो बोलो सबको। पूछा हेलो। आपने कैसे हो आप लोग? ठीक है चलो। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ काम, ये इंडक्शन अभी मैं पैक करके रख रही हूँ क्योंकि अभी मुझे इसको रखने की जगह नहीं मिल रही है और बर्तन भी इसके निकालने हैं। तो पहली बात तो जगह होनी चाहिए, और अभी मेरे को सारे में भरा भरा लग रहा है, अभी दिवाली की सफाई भी नहीं हो पा रही है, सफाई होगी उसके बाद में मैं देखूंगी इसको निकालूंगी, तो इसलिए मैं ऐसे पैक करके रख रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट इस पे बैठने लग गई है बाहर रखा है तो। और इसको पैक करके मैं डब्बे में ही रखूंगी ताकि ये इसके अंदर डस्ट वगैरह बिल्कुल ना जाए और ये ठीक रहे। ये मैंने पैक करके रख दिया। और यहाँ पर ये जो कपड़े रखे हुए थे छोटे छोटे जो इसमें है वो गौरी के मैं तय कर दूंगी। गौरी के कपड़े यहीं पर सुखाए हुए थे लेकिन इसके अंदर खाली कर दिए थे तनु ने, तो गौरी की छोटी छोटी नैपी गद्दी वगैरह जो भी हैं ये सारे कपड़े, आज मेरा प्रेस करने का मन नहीं था इनको तो फिर मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है तय करके ऐसे ही रख देती हूँ। और गौरी के इसमें बनियान है, गौरी के समीज है इसमें,
छोटे छोटे कपड़े तय बहुत जल्दी हो जाते हैं और धुलते भी बहुत जल्दी हैं। तो और इसी तरीके से गौरी के सारे कपड़े तय कर लूंगी, और जो मेरे टब में रखे हुए हैं उसमें से जो मेरे प्रेस वाले कपड़े हैं वो मैं अलग कर दूंगी। जो नीचे कपड़े जाने होते हैं, मेरी अलमीरा नीचे है तो मैं वो तय कर दूंगी, अलग अलग सारे कपड़े मैं करूंगी। अभी तो फिलहाल ये गौरी के ही सारे कपड़े हैं जो बहुत सारे हो जाते हैं। सारे कपड़े अलग अलग करके रखो तो पता चल जाता है निकालने में। और यहाँ पर इनकी शर्ट है, ये प्रेस के लिए जाएगी तो इसको मैं इसलिए ऐसे ही फोल्ड करके रख दूंगी बस। और चलिए आज तो बस इतना ही, और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही मैं आपको दिखाऊंगी। मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी कीजिएगा, और आप लोग अपना ध्यान भी रखिएगा। टेक केयर। Thank you.